हाय फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ व्हाट इज क्लॉकिंग एंड इज इट गुड टेक्निक फॉर SEO एंड फॉर व्हाट पर्पज पीपल यूज क्लॉकिंग। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ क्लॉकिंग के बारे में, और एक रियल एग्जांपल भी इसमें दिखा चुका हूँ कि क्लॉकिंग क्या होती है और कैसे लोग यूज करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्लॉकिंग को यूज करें, ये एक एजुकेशन पर्पज से है, आपकी नॉलेज के लिए है। बट प्रैक्टिकली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्लॉकिंग को यूज करें, बिकॉज इट्स टोटली ए ब्लैक हैट टेक्निक। और इसमें आपका जो SEO रिजल्ट है या आपकी साइट है लॉन्ग टर्म गूगल विजिबिलिटी में नहीं रहती है, गूगल आपकी साइट को कभी भी बैन कर सकता है। बट मैं आपको एक नॉलेज पर्पज से ये बताने जा रहा हूँ कि क्लॉकिंग क्या होती है। तो जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बता रखा है व्हाट इज क्लॉकिंग एंड एग्जांपल फॉर क्लॉकिंग, ठीक है। तो जिन लोगों ने देखा है उनके कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस वीडियो में, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल कुमार सौरभ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं क्लॉकिंग एक ब्लैक हैट टेक्निक है जिसमें हम यूजर को कंटेंट कुछ और शो कराते हैं और गूगल क्रॉलर को कंटेंट कुछ और शो कराते हैं। दैट्स रीजन कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी साइट जल्दी रैंक कर जाए सर्च इंजन पे, इसलिए क्लॉकिंग का यूज करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्लॉकिंग को यूज करें, बिकॉज ये टोटली ब्लैक हैट टेक्निक और उसमें आपकी साइट कभी भी बैन हो सकती है। मेरा इस वीडियो का पर्पज ये नहीं कि आप इसको यूज करें, बस जस्ट फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दी क्लॉकिंग। तो फ्रेंड, सेकेंड क्वेश्चन है इज इट गुड टेक्निक फॉर SEO। यही इसका आंसर है कि ये एक सही टेक्निक नहीं है, ये एक टोटली ब्लैक हैट टेक्निक है और ये आप यूज ना ही करें, आपके SEO पर्पज से लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि गूगल आपकी साइट को कभी भी बैन करा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पज पीपल यूज क्लॉकिंग। तो इसमें यह है कि क्लॉकिंग का यूज उस कैटेगरी की साइट्स के लिए करते हैं जो गूगल की विजिबिलिटी में कम होते हैं और जो गूगल की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स रीजन कि गूगल उन साइट्स को प्रायोरिटी कम देता है, वो गूगल विजिबिलिटी गूगल सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी में कम आती है, दैट्स रीजन कि उन साइट उस टाइप की साइट को रैंक कराने के लिए या विजिबिलिटी में लाने के लिए सर्च इंजन पर लोग क्लॉकिंग का यूज करते हैं। इसमें कुछ कैटेगरीज कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि फार्मेसी साइट, टैक्स सपोर्ट साइट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, थर्ड एडल्ट साइट। तो ये कुछ कैटेगरीज के एग्जाम्पल है जो क्लॉकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिसके लिए जो क्लॉकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बट इनसे ये क्लॉकिंग जो टेक्निक है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल टेक्निक नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको यूज करें। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए और मेरी और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए कुमार सौरभ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप मुझे विजिट भी कर सकते हैं www.pbcexpertdelhi.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।